बच्चा, बच्चा। रैना तू मेरी बात मानने मत। रैना, रैना। और रैना टेंशन मत लेना, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। ये शादी सिर्फ एक हाँ, ये शादी एक दिखावा है। तुम जाना चाहती हो? जाना चाहती हो? जाओ जाओ ना, जाओ ना, जा सकती जा सकती। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ? जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ नकली शादी, ये गांव, ये सब खत्म। जाओ अपनी जिंदगी में खुश रहो। जाओ। खामोशियां एक राज है, सीने में दफन है कहीं। खामोशियां जो पास है, मैं तुमसे कहूँगा कभी। बांट लूँगा मैं साथ में तेरे, मिलने तो आओ जरा। खामोशियाँ तेरी खामोशियां। मैं चाहता हूं तुम यहां से जाओ, तुम्हारे पापा की भलाई यहां से जाने में ही है। ये जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। ऋषभ अब भी रोक लेना उसको, रुक जाएगी। ऋषभ रो, जाने दो। I can't bloody believe it कि कोई मुझे उस नाम से भी बुला सकता है। क्या है वो मॉन्स्टर का नाम? ब्रह्म समथिंग समथिंग, ब्रह्मराक्षस। बचा लिया उसने तुम्हें। आप इन सब बातों में मानती हैं? तुम कैसे नहीं मानती? आज उसी की वजह से तो रैना ये घर छोड़कर चली गई है और तुम्हें इस घर में परमानेंटली रहने की मेंबरशिप मिली है। Like that? हाँ वो तो है, लेकिन आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। बता देती तो तुम्हारा रिएक्शन ओरिजिनल नहीं होता, तुम्हें वो झटका नहीं लगता जो तुम्हें तब लगा जब रैना ने तुम्हें राक्षस कहा। Oh God, तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। मुझे तुम्हें देखकर इतनी हंसी आ रही थी, सीरियसली। यू आर सो मीन, आई टेल यू। इसका मतलब वो बीटरूट जूस एंड ऑल दैट वो आपका आइडिया था? ऑफ कोर्स मेरा था, लेकिन अगर तुम्हें बता देती, लाइक आई सेड, तुम्हारा अच्छा सा रिएक्शन नहीं मिलता। और फिर अगर मैं तुम्हारे चेहरे पर असली खून भी लगाती ना तो भी वो नकली लगता। और मैं चाहती थी कि इस ड्रामे में तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल नेचुरल हो। अगर डर है तो डर दिखे, अगर झटका है तो झटका लगे। ऑल राइट, वो सब ठीक है, लेकिन आइंदा से ऐसा कोई भी प्लान बनाए ना तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे बता के बनाइए, वरना ऐसा नहीं हो कि जोर का झटका लगे और मुझे हार्ट अटैक आ जाए। क्या होगा अगर इस बार प्लान तुम बनाओ और उस पर हम फिल्म बनाएं? आंटी, I'll see you वहाँ इन अ बिट। कियारा, नलन हमारे बंदे, I mean, हमारे साथ है। Of course, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही। मुझे भी तो अपने बेटे का ब्राइट बेस्ट फ्यूचर चाहिए। लेकिन कियारा, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। तुमने उस रैना को इस घर से बाहर जो निकाल दिया, तभी ये शादी तो एक नाटक ही थी। जब भी मुझे लगता कि अब ये नाटक खत्म हुआ, ये रैना कोई ना कोई बहाना करके इस घर पे रुक जाती, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंकल को ऋषभ को ब्लैकमेल कर रही थी। उसको लगता था कि वो बार बार ड्रामा करेगी कि ऋषभ मैं जा रही हूँ तो ऋषभ उसको एक्चुअली रोक लेगा, लेकिन इस बार उसका पासा उस पे उल्टा पड़ गया। ऋषभ ने उसे नहीं रोका। Yes. आप लोग यही जानना चाहते हैं ना कि मैंने उसे जाने से क्यों नहीं रोका, उसे जाने क्यों दिया? ब्रह्म राक्षस हमारी जिंदगी का कैसा कड़वा सच है जिसे हम सबने देखा है, भोगा है। वो वापस आ गया। मैंने रैना को बताया था कि ब्रह्म राक्षस वापस आ गया है, और ये फैन मैं नहीं जानता कैसे गिरा, या खुद गिरा है, किसी ने गिराया है। लेकिन आज मैं सोया था इस बेड पे, रोज रैना सोती है। अगर आज कुछ हो जाता तो उसकी जान। मैं नहीं चाहता कि उसकी जान खतरे में डालूं। हो ना हो, ये सब कुछ ब्रह्म राक्षस का ही किया था। लेकिन वो ब्रह्म राक्षस है कौन, वही तो पता करना है मॉम। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उसको सामने लाने के लिए हर बार रैना को सामने डाल दे, उसकी जान खतरे में डाल दे। ये तो गलत है ना। ये प्रॉब्लम हमारे घर की है तो हमें सॉल्व करना चाहिए। रैना भी तो इस घर की है ना। मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसे खतरे से बचाना तेरा काम है। वही किया ना दादी, उसे यहाँ से भेजकर वही तो किया है मैंने। इतनी रात गए, उसके बेहोश पिता के साथ उसे भेज दिया। इतनी रात गए दादी, कमलपुरा में जाने कितनी ऐसी रातें देखी हमने, देखा है। कभी कभी सुबह तक इंतजार करते करते बहुत देर हो जाती है। मैं सुबह तक इंतजार करके और खतरा मोल नहीं लेना चाहता था बस। अजीब बात है, तू देर नहीं करना चाहता था, लेकिन उस देर को दूर करने के लिए इतनी जल्दबाजी कर दी, वो भी इतने अहम रिश्ते में, शादी के रिश्ते में। शादी एक नाटक थी। लेकिन ऋषभ, एक और रिश्ता भी तो होता है ना बेटा, इंसानियत का रिश्ता। अब ये मत कहना बेटा की तरह वो रिश्ता भी नहीं है उससे। मुझे कहना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मोहिनी जो कुछ भी कह रही है वो सच कह रही है। तुझे उसे बचा लेना चाहिए था, तुझे ऐसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए। शब, अगर तू कहे तो हम सब जाएं क्या उसके पास? बहुत रात हो गई बेटा, अकेली है वो। नहीं, आप लोग मत जाइए, मैं देखता हूँ। थैंक यू दादी। थैंक यू। पापा आप मेरे साथ है ना? तो मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। पहले आपने अपनी जिंदगी मेरे साथ शुरू की थी ना, अब मेरी बारी, अब मैं भी वही करूंगी। ये लाइट ऑफ कैसे हो गई? शायद बहुत दिनों से हम यहाँ नहीं रह रहे तो शायद कोई टेक्निकल इशू हुआ होगा। थैंक गॉड मशीन तो बैटरी चल रही है। फ्यूज उड़ गया होगा शायद, मुझे जाके मीटर चेक करना पड़ेगा। पापा मैं अभी आई। हाँ कहाँ रख दिया मैंने अपना? कैंडल्स भी नहीं है, शायद हॉल में फोन रख दिया होगा। इलेक्ट्रिशियन को कॉल करना पड़ेगा। फोन नंबर मेरे फोन में तो नहीं है, किसी पुराने इलेक्ट्रिसिटी बिल में जरूर होगा। यहाँ नहीं है। ये वही है, ये उसी की शक्तियां हैं, उसी ने किया ये सब। कौन? राजकिरा मंदिर। आपको कुछ नहीं होगा। कमल, राक्षस इस ससुर को सिर्फ वही एक देवी मार सकती है जिसने जिसने उस ससुर को मारा, महिषासुर को मारा। महिषासुर मरते सिर्फ वही उस ससुर के असर को तोड़ सकती है, उसके कहर को तोड़ सकती है। माँ की वही विभूति जो उस जंगल पर उस जगदम्बा मंदिर के हवन की विभूति है। माँ की विभूति महिषासुर मर्दिनी के हवन की। अंकल, अंकल, रैना, 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 आंखें खोलो, रैना आंखें खोलो, रैना, रैना, रैना। डैड वार्ड बॉय से बात हुई, उसने कहा कि उसने रैना और उसके डैड को घर छोड़ दिया। रैना ठीक है, घर पे ही है। वेरी गुड। फूड का ख्याल तो हमें रखना है, रखना ही पड़ेगा। या ऑफ कोर्स रखिए ना। बाय द वे ऋषभ घर पे नहीं है। मतलब ऋषभ घर पे नहीं है तो कहाँ है? I have no idea। ना वो अपने रूम पे है, ना वो अपना फोन उठा रहा है। I'm clueless। कियारा, सुनो, ऋषभ का ख्याल अब तुम्हें रखना है। उसे एक दोस्त की जरूरत है, एक ऐसा दोस्त जो उसे समझ सके, उसे सहारा दे सके। तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ है। यार, मैं फोन करता हूँ, उसे देखता हूँ कहाँ है। रैना, वो रैना। प्लीज, हॉस्पिटल वालों से बात हो गई है, रैना ठीक है। इनफैक्ट कल तक नर्स भी आ जाएगी। अच्छा, कैसे पता वो ठीक है? हाँ, कैसे पता? नहीं बस भी करो ये इमोशनल ड्रामा। तो वो अपनी मर्जी से गई है, तो हम देख लेंगे उसका क्या। उसकी सेफ्टी के बारे में जो भी करना है वो देख लेंगे हम। कैसे देख लें? यहाँ बैठ के बातें करने से, इस बात से इनकार करने से कि ब्रह्म राक्षस नहीं है। मॉम बस हो गया ना, इरिटेट मत करो आप। सॉरी बेटा, मैंने ब्रह्म राक्षस की बातें करके तुझे इरिटेट कर दी, सॉरी। लेकिन ब्रह्म राक्षस नहीं है ना। आप लोग सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर ब्रह्म राक्षस नहीं है तो फिर सुरेश भाई साहब की मौत कैसे हुई? क्या शब का फोन आया था, उसने रैना को तो बचा लिया, लेकिन सुरेश भाई साहब उन्हें नहीं बचा सका। बहुत देर हो चुकी थी और इस बार उसने उस राक्षस को देखा। ये सच है कि ब्रह्म राक्षस है, इतना ही सच जितना कि ये बात कि अब सुरेश भाई साहब इस दुनिया में नहीं रहे। ये क्या हो गया? ये तो मेरी गुड़िया है ना। पापा ने पूरी जिंदगी मेरी रक्षा की, मेरी जिंदगी को एक मतलब, एक नाम, एक पहचान दिया, और मैंने क्या किया? मैं उन्हें बचा भी नहीं सकी, मैं कुछ कर नहीं सकी, मैं उनके कोई काम ही नहीं आई। ऐसा मत कह रहे ना। अरे मुखाग्नि कौन देगा? नहीं, मैं करूंगी। ये मेरा हक भी है और मेरा फर्ज भी है। हाँ, ये इसका हक है। ये इसके पिता थे और ये उनकी बेटी। तो बेटी का हक पहले लगता है। जाओ, चलो। मैं उस राक्षस को नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे पापा को, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने तेरे बाप को मार डाला, मार डाला। ब्रह्मराक्षस, ब्रह्मराक्षस आ गया। ओ गॉड, भाई आप सबको लेके घर जाओ, मैं रैना को देखता हूं। हाँ चलिए। ऋषभ ख्याल रख अपना। इधर आ, मैं इधर हूँ। आप पकड़ मुझे, मार मुझे, बदला ले अपने बाप का बदला। जला मुझे, जला। मैं इधर हूँ। पागल हो गई तुम, क्या कर रही हो? तुम होते कौन मुझे पूछने वाले कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। मेरे पापा की मौत हो गई ऋषभ, समझे? तो मैं बार बार बोल बोल के थक गई कि ब्रह्मराक्षस आ गया, ब्रह्मराक्षस आ गया, कोई मेरी बात नहीं मान रहा। हाँ, तुमने बताया था। देखो मुझे लगा, मैं क्या लगा तुम्हें? मैंने क्या किया? तुमने मुझे और मेरे पापा को अकेले मरने छोड़ दिया, यही किया तुमने ऋषभ। नहीं चिंदी, ऐसा नहीं है। मुझे लगा तुम बाहर सेफ रहोगी, इसलिए मैंने तुम्हें बोला तुम चली जाओ। मेरे पापा मुझे बचाते बचाते मर गए, मैं कुछ नहीं कर सकी ऋषभ। मेरे आंखों के सामने वो मर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं बस वहीं पे खड़ी रही। बस चले जाओ यहाँ से ऋषभ, जस्ट लीव, जाओ यहाँ से। कोई नहीं है मेरा यहाँ, मैं यहाँ अकेले हूँ। यही सच है, यही मेरी जिंदगी है। चले जाओ यहाँ से। वैसे भी ये सब तुम्हारे लिए एक नाटक था ना, सब नाटक है ना, तो सब नाटक खत्म, चले जाओ यहाँ से, सब खत्म हो चुका है। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझ पर तरस खा रहे हो क्या? मत खाओ मुझ पर तरस, चले जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये दिखावा। ऐसे क्यों दिखा रहे हो कि तुम मेरे साथ हो, जबकि तुम मेरे साथ हो ही नहीं, कभी रहना ही नहीं चाहते थे। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ सब भूल जाना चाहती हो, जैसे कमलपुरा में तुम सब कुछ भूल जाना चाहते थे ना, वैसे ही मैं मुंबई का सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। तुमने मुंबई आकर एक नई जिंदगी शुरू की ना, मैं भी वही करना चाहती हूँ, मैं भी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। तुमने कमलपुरा छोड़ दिया, मैंने मुंबई छोड़ दिया। जाओ यहाँ से ऋषभ, नहीं देखना मुझे तुम्हारा चेहरा, नहीं देखना मुझे किसी का भी चेहरा। कोई नहीं है मेरा, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली। मेरे पापा ही थे जो मेरे साथ थे, अब वो भी चले गए। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सब लोग वापस आ गए। ऋषभ किधर है? रैना के साथ। उसने अभी अभी अपने पापा को खोया। तो जो करना था वो सब तो हो गया ना, अब क्या बचा है? Now what? आज तो मेरी तबीयत ही बहुत खराब लग रही है, आज का दिन ही खराब है। और जिस ब्रह्मराक्षस की बात आप लोग कर रहे हो, अगर वो सचमुच है तो ऋषभ का बाहर रहना सेफ नहीं है। रहना के लिए जितना करना था, जो भी करना था हमने कर लिया। अब ऋषभ का वहां उसके साथ रुकना, उसे झूठी तसल्ली देना, इसका कोई मतलब नहीं। मोहिनी, उसे फोन करके बोल देना कि जल्दी घर चला है। या आप कह रहे, आपने देखा था ना रहना की हालत क्या थी, टूट गई थी वो। ऋषभ ने हमें वापस इसलिए भेजा था क्योंकि वहां पे ब्रह्मराक्षस था। ऋषभ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो घर आ जाएगा और रैना को लेकर आएगा। हाँ, वो अब भी ऋषभ की पत्नी है, तो ऋषभ का फर्ज बनता है कि वो उसे संभाले, उसका ख्याल रखे। जिसको भी इस बात से प्रॉब्लम हो, वो इस घर से जा सकता है, मैं रोकूंगी नहीं। जस्सी दादी, आप घर में सबसे बड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऋषभ को फोर्स करेंगे। तुम्हें हैरानी होती होगी ना, इस घर के बड़े क्या कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी उस बात से होगी जब तुम्हें पता चलेगा कि ऋषभ क्या करेगा। और मुझे उसे कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही करेगा। उसने मुझे फोन करके बताया कि वो रैना को साथ में लाना चाहता है, इस घर में साथ रखना चाहता है, क्योंकि वो मानता है कि ब्रह्मराक्षस सिर्फ रैना की जान के पीछे ही पड़ा है। घर में इतने लोग थे, फिर भी राक्षस ने सिर्फ उसी की जान पर हमला किया, और वो मानता है कि फिर से राक्षस रैना पर ही हमला करेगा। इसीलिए वो उसके साथ रहना चाहता है। जब वो घर आए ना, उसे पूछ लेना, ओके? चलो मोहिनी। देखो, मैं तो ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। अरे ब्रह्मराक्षस अकेले बाहर घूम रहा है। वैसे कैसे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। अरे चिंदी, दरवाजा खोलो यार। प्लीज चले जाओ यहाँ से ऋषभ, चले जाओ ऋषभ। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें क्या फर्क। देखो चिंदी जिद मत करो। अरे दरवाजा खोलो यार। तुम यहाँ अकेली नहीं रह सकती। चिंदी मेरे साथ घर चलो प्लीज। देखो राक्षस बाहर है, जब तक उसे मारने कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेते प्लीज हमारे साथ रहो। चिंदी ओपन द डोर। मुझे तुम्हारे साथ कोई रास्ता नहीं निकाला है ऋषभ। मैं जो करूंगी ना अकेले करूंगी, अकेली काफी। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं यही खड़ा रहूंगा, रात भर यही खड़ा रहूंगा, जिंदगी भर यही खड़ा रहूंगा। चलो चिंदी ओपन द डोर। डैम इट। शुद्धिकरण की पूजा आरंभ हो गई है। अब कमल और राजगिरा आप दरवाजे पर लगा दीजिए। अब ये क्या नया ड्रामा शुरू हो गया यहाँ पे? आई एम टेलिंग यू, मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से चली जाऊँ। तुम सिर्फ ऋषभ पे नजर रखो और कहीं मत देखो। जो हो रहा है उसे होने दो, कुछ नहीं होगा। इन्हीं का इस्तेमाल करते अपने आप को उस राक्षस से बचाने के। ये राजगिरा मैं लगा देती हूँ। मैं कोई साधारण ब्रह्म राक्षस नहीं जो कमल राजगिरा से डर जाऊंगी। इनके असर से बेअसर हूँ, कहर हूँ, कयामत हूँ, ब्रह्म राक्षस हूँ मैं। लेकिन वो विभूति वो ले सकती है मेरी आहुति, पर वो बात ये नहीं जानते। चिंदी अरे दरवाजा खोलो यार। चिंदी दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। खा लीजिए ना, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नहीं मिताली, भूख नहीं। ऋषभ। हाँ ऋषभ बोल। मॉम चिंदी वहाँ है क्या? यहाँ नहीं, तो वो तो तेरे साथ थी ना। नहीं यहाँ कहाँ है मॉम, नहीं है घर पे वो। मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आया, बाहर खड़ा था, बोला दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोली नहीं रही थी। घर में है ही नहीं वो, और उसका सामान भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गयी। तो फिर कहाँ गयी, कहाँ जा सकती है वो? मुझे क्या पता। कमलपुरा तो नहीं गई। वो कह रही थी मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद करूंगी जो करना है। प्लीज रैना, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा लेना। तुमने मेरा साथ दिया है, अब मुझे तुम्हारा साथ देना है तो देने दो ना। प्लीज प्लीज कहीं मत जाओ। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है ऋषभ, पर मुझे है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ थी। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, वही फिक्र वही एहसान लौटाना चाहते हो ना, इसीलिए ये सब। अब तुम पे मेरा कोई एहसान नहीं, कोई कर्जा नहीं। जाओ। रिप्लाई भी नहीं किया रैना ने, पता नहीं कहां गई। कमलपुरा। मैं जानती हूं कि तुम कमलपुरा गई हो। मैं जानती हूं कि तुम तब तक नहीं रुकोगी जब तक तुम ब्रह्म राक्षस को नहीं ढूंढ लेती। मैं चाहती हूं कि तुम ब्रह्म राक्षस को ढूंढो। उसे ढूंढोगी तभी तो मुझे ढूंढोगी। वो तुम्हारे सामने आएगा तभी तो मैं तुम्हारे सामने आऊंगी। रुक जाओ रैना, कहीं मत जाओ मुझे ढूंढने, क्योंकि मैं आ रही हूं तुम्हारे पास। मैं आ रही हूँ। नहीं ऋषभ, अब मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा, सब खत्म। नहीं नहीं, ये क्यों लिखूं? कुछ और लिखती हूँ। ऋषभ, तुम कभी नहीं समझोगे, पर मैं भाई साहब, ये कमलपुरा के लिए बस कब आएगी? बस अभी अभी निकली है, थोड़ी देर पहले निकल गई। जी अभी निकली साहब, 2 मिनट पहले। अभी गई क्या? अभी अभी निकली साहब। बस बहुत हो गया, रिश्ते नाते प्यार वफा सब छोड़ दे, सब तोड़ दे। बस इतना याद रख रहे ना, तुझे बदला लेना है, उस राक्षस से बदला। उसने तेरे पापा को मार दिया, एक वही तो थे जो तेरे अपने थे, उनको इतनी बेरहमी से मार दिया। अब जब तक मैं उस राक्षस को खत्म नहीं करती थी, तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगी, और इसीलिए मुझे कमलपुरा जाना ही होगा। क्योंकि फुली ने बताया था वो असुर स्थल नहीं बना था और वहीं पे मिट सकता है। मैं शिवम, और तुम? भाई साहब, ये बस को क्या हुआ? भाई मैं क्या आपको बताऊं, आप ड्राइवर से ही पूछ लीजिए बस में क्या हुआ, उसी को सब पता है, उसने ही देखा बस में क्या हुआ है। ये बस जा रही थी, आप कहाँ जा रहे थे बताइए? बस कहाँ जा रही थी? ये बस कमलपुरा जा रही थी भाई। कमलपुरा? रैना भी तो इसी बस में थी। ओ गॉड, कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। भाई साहब बस का ड्राइवर कहाँ है? ऋषभ की आवाज, कहीं उसने मुझे देख लिया तो। ये तो रैना का मंगलसूत्र है, इस पे खून। ओह गॉड, ओह माय गॉड। रैना का फोन। आपने किसी लड़की को देखा है? कहाँ गई हुई रहना? मालूम है आपको, 2 लाश मिली हैं, बुरी तरह से जली हुई हैं। पीछे बस में एक लड़की फंस गई थी, मालूम है आपको? भगवान जाने उसका क्या हुआ होगा। उन दोनों को छोड़ के बाकी सभी के सभी पैसेंजर सही सलामत हैं। कहीं रहना को तो कुछ नहीं? नहीं, हे भगवान, ये नहीं हो सकता। रहना, बेटे क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ, क्यों रो रही है? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? चुड़ैल। चुड़ैल? चुड़ैल कहाँ है? कहाँ है चुड़ैल? बहुत बड़े बड़े नाखून। घबराओ मत, ये तो ब्रह्म राक्षस की बात कर रही है।